नमस्कार, सीएमए न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि बाद में तबियत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए मेरठ भेज दिया गया। उधर पूर्वी यूपी की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिमी यूपी प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चंद्रशेखर से मिलने मेरठ पहुंची। यहाँ पर प्रियंका ने चंद्रशेखर से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मऊ की बात करते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय रमजान के पाक महीने में लोकसभा चुनाव होने से काफी नाराज है। मुस्लिमों का कहना है कि रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के साथ मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इफ्तार करने से लेकर तेज धूप में लाइन लगाकर वोट करना कठिन होगा। रमजान में जो इलेक्शन पड़ रहा है, इसकी वजह से सारे लोगों को परेशानी होगी। खुसूसन मुसलमान रोजे से रहेंगे सुबह से शाम तक, और इलेक्शन का टाइम 8 बजे से 5 बजे तक होता है। उसके बाद भी 2 घंटे के बाद इफ्तार होती है, और जो है क्या है, जो कर्मचारी लगाए जाएंगे वो भी मुसलमान होते हैं, तो रमज़ान में रमज़ान रह करके कैसे जो है वो अपना काम कर पाएंगे। एक रोज़ पहले ही ट्रक पर जाना होता है, और सवारी का साधन जो है क्या है, प्राइवेट से होता नहीं है, वही सरकार का जो साधन होता है ट्रक बड़े बड़े, उसी से जाना है। तो सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं रमज़ान में इलेक्शन होने की वजह से। इसलिए सरकार से इस्तेमास है कि वो जो है क्या रमज़ान के अलावा कोई और टाइम चूज़ करे, ताकि इलेक्शन आसानी से हो सके। और रहा जहां तक चुनाव का सवाल, अभी हम पेपर में स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा है कि जुमा और ईद का एहतराम करते हुए हैं चुनाव का ऐलान किया गया है, और मुसलमान मतदान करेगा, बहुत हौसले के साथ करेगा, क्योंकि रमजान महीने में हमने कई एक जगह भी लड़ी, इसलिए हमको तजर्बा है, हौसला बुलंद है, और जम के मतदान करेगा। हम रमजान के महीने में अगर चुनाव पड़ते हैं तो इससे हमारे अंदर कोई मायूसी है, लेकिन एक पैगाम देना जरूरी है। अपनी बात कहने का हक हम सबको हासिल है, और हमारी तो तारीख रही, अगर तारीख पर नज़र डालें तो जब जब दुश्वारियाँ आती हैं मुसलमानों के ऊपर, तो मुसलमान उन दुश्वारियों और परेशानियों से और ज़्यादा निखर के सामने आता है, और जब आराम परस्ती आ जाती है तो उसका जवाल शुरू हो जाता है। तो जी देखिए, चुनाव आयोग ने रमज़ान में जो शेड्यूल तय किया है वो अच्छा नहीं किया है। इस देश में लगभग 18% मुस्लिम बसते हैं, तो उनका ध्यान आयोग को भी रखना चाहिए, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और इस महापर्व में अधिकतम भागीदारी होती है, उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा आयोग खर्च करता है कि अधिकतम मतदान हो, और उसी को आप पलीता लगा रहे हैं रमज़ान में। दूसरी बात यह है कि मैं कर्मचारी यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, कर्मचारी जिनकी ड्यूटी आप लगाते हैं उनको आप जिस टाइम ले जाते हैं, अफ्तार का टाइम होगा, क्या वो पोखरे के पानी से अफ्तार करेंगे? यह कि ये जो फैसला रमज़ान के महीने में जो 3 चरण आ रहा है, कहीं से ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए कि लोग भूख और प्यासे रह करके, सवाल ये है कि जो करीब में शहर में है उनके लिए तो समस्याएं कम होंगी, लेकिन जो दूर दराज देहात क्षेत्रों में हैं उनको, काफ़ी दूर दूर को पोलिंग जिनकी है उनको भूख और प्यासे रह करके जाना, और फिर लाइन घंटों घंटों लाइन में रह करके, ये कितनी मुश्किल की बात है, वो एक रोजेदार ही समझ सकता है। पंचकुला में सेक्टर 11 के एक होटल में दंत चिकित्सक के सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विक्रम जीरकपुर के एक होटल में होटल मैनेजर है। सामूहिक दुष्कर्म नशे का इंजेक्शन देकर किया गया था। नशे के इंजेक्शनों के कारण पीड़ित युवती की तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसे पीजीआई में एडमिट करवाना पड़ा। पुलिस ने 4 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। सेक्टर 11 का एक होटल का, उसके बारे में बताएं, सुनने में आया था जो पीड़िता है उसकी भी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट कराया गया था। हाँ जी, अभी वो चंडीगढ़ पीजीआई में ही एडमिट है, लेकिन पहले से उसकी तबीयत काफी ठीक है। जी पूरा मामला क्या है, कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें 4 आरोपी हैं कुल, जिसमें से एक को पहले हमने अरेस्ट कर लिया था, बाकी 3 को अरेस्ट करके उनको रिमांड पे लिया हुआ है हमने। तो जो पीड़िता है उसने किस तरह के आरोप लगाए हैं? क्या उसको कुछ नशीला दिया गया था खाने में, या किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था आरोपियों ने? अभी तो उसने अपनी कंप्लेन में भी यही कहा है कि मेरे को कोई नशीली चीज उन्होंने दी है जिससे मुझे कुछ नहीं पता लगा है, बाकी जैसी डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि क्या दिया गया है। ठीक है।
हरियाणा के पंचकुला में एक नाबालिग लड़की से मामा और जीजा ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों को इस बात का पता उस समय चला जब लड़की गर्भवती हो गई। बच्चे के परिजन उसे उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल लेकर आए और अस्पताल से पुलिस को सूचित किया गया। एक और जो रेप का मामला आया है इसके बारे में बताएं, क्या कुछ डिटेल्स हैं, कौन आरोपी है, कहां अभी तक जांच पहुंची इसमें? इसमें मैडम दो, एक तो लड़की है उसका मामा है और एक उसका जीजा है। उनको दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके अभी कोर्ट में पेश कर दिया है जी। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है जी। देश में आचार संहिता लगते ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। समस्त पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ एक दूसरे की कमियां निकालकर जनता के सामने प्रस्तुत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में होशंगाबाद में भी NSUI के कार्यकर्ताओं ने राफेल मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए थाने में एक आवेदन दिया। ये NSUI होशंगाबाद के सदस्यों ने आज राफेल सौदे से संबंधित दस्तावेज चोरी होने संबंधी एक ज्ञापन देकर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु निवेदन किया है। इस संबंध में चूँकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक पद पर हैं तो इस पर अग्रिम कार्रवाई करने से पहले मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं हमारे जो कानून वेद हैं DPO वगैरह उनकी राय लेंगे, उसके बाद जैसा भी निर्णय होगा कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश NSUI के आह्वान पर पूरे ब्लॉक स्तर में मध्य प्रदेश में आज जो राफेल की फाइल चोरी गई है तो हमने इस देश के जिम्मेदार पद पे आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए ये आवेदन थाना कोतवाली में आज दिया है। NSUI के सभी साथियों के साथ देश की इतनी महत्वपूर्ण फाइल चोरी चले जाना और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना ये एक बड़ा निंदनीय कृत्य है। हमने NSUI के साथ मिलकर NSUI के नेतृत्व में आज ये मांग करी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या रणनीति रहेगी? अगर कार्रवाई नहीं होती तो जो भी दिशा निर्देश हमें प्रदेश कार्यालय से प्राप्त होंगे हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसको जमीन तक अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास। आचार संहिता लग चुकी है, कहीं ये चुनावी स्टैंड तो नहीं है आपका? नहीं नहीं, चुनावी स्टैंड नहीं है ये। ये चूँकि पूरे देश को पता है कि फाइल चोरी हो गई है, अब उस पर कार्रवाई भी तो होना चाहिए ना भाई। जिसने चोरी कराई जिसकी जिम्मेदारी है तो उसको इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और 144 भी लागू है सभी जगह जी, जहाँ पर चार लोग इकट्ठे होकर किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। अब यहाँ तो हम तो एक एक दो दो की स्थिति में आए, तो चार चार आए नहीं, हम तो एक एक दो दो करके आए हैं। सभी थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा मैं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके और इस पर कार्रवाई करूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News। तब तक के लिए नमस्कार।